और सबसे पहले आपको बताते चलें कि बेहतर तिब्बी निजाम के लिए एक और कदम लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से उठाया गया। कल स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग भी हुई एसईसी की चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम की सदारत में, और इस मीटिंग के दौरान 15 करोड़ रुपए मंजूर किए गए तीन बड़े इदारों के लिए। 5-5 करोड़ रुपए तीनों अस्पतालों को दिए जाएंगे। इनमें तीन बड़े अस्पताल श्रीनगर जीएमसी, जीएमसी जम्मू और उसके साथ साथ स्किम्स सौरा श्रीनगर के लिए भी स्किम्स इंतजामिया को भी 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और इन 5-5 करोड़ में इस वक्त टेस्टिंग की जो सहूलियात है, जिन अस्पतालों के अंदर सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए, जहां पर लैब्स कायम किए गए हैं, उनमें एसडीआरएफ फंड के तहत 15 करोड़ रुपए को मंजूरी कल दे दी गई है। कोविड-19 के बीच टेस्टिंग की सहूलियात को मजीद बढ़ाया जाए, बेहतर किया जाए और एक्टिव किया जाए, इसके लिए यह पैसा खर्च होगा। इसके साथ साथ हेल्थ अथॉरिटीज को यह पैसा दे दिया जाएगा। इससे पहले कि हम कॉलर के पास चले, पहले कॉलर हमारे साथ हैं, एक और खबर फटाफट से आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ अजला के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने कल मैग्नेटाइजेशन तमाम सड़कों की हो पाए, इसके लिए बाजाब्ता तौर पर एक रिपोर्ट जो 10 अगस्त तक इंतजामिया को दी जाएगी पैनल की तरफ से, और पूरा यह प्रोग्राम नया बनाया गया है। इस प्लान के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने अवामी शिकायत को संजीदगी से लेते हुए इनका नोटिस लेने के बाद पूरी यूटी के अंदर, मरकज के जेरंजाम इलाके के अंदर जितनी भी खस्ताहाल सड़कें हैं, तरजीह बुनियादों पर उनकी मुरम्मत करने का फैसला लिया है। मैग्नेटाइजेशन प्रोग्राम जो है वो आउटरीच प्रोग्राम के तहत अब शुरू कर दिया जाएगा। पहले कॉलर आज के इस लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी कौन साहब, कहां से बात कर रहे हैं? प्रोग्राम के शुरू में आपसे ये भी गुजारिश है कि जब आप फोन कॉल लगाते हैं, हमारे साथ बात करने की कोशिश करते हैं, अपने टीवी सेट्स की आवाज कम रखें या बंद कर दें, तभी हम आपकी बात सुन पाएंगे। आप हमारे साथ इस वक्त लाइव कॉलर हैं, कहां से कौन सा बात कर रहे हैं? हेलो हेलो, वही परेशानी आ रही है, कॉल तो लगा रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ टीवी का वॉल्यूम वापस हमारे पास आ रहा है। जब भी आप कॉल करें, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सही तरीके से अपनी बात पहुंचाने के लिए, अपनी आवाज में एडमिनिस्ट्रेशन तक इस प्रोग्राम के जरिए बात पहुंचाने के लिए कोशिश करें कि टीवी सेट्स का वॉल्यूम कम रखें। एक और कॉलर हमारे साथ है। जी कौन साहब, कहां से? जी कौन साहब और कहां से आपको जोड़ेंगे वही जबरदस्त के बाद। हेलो, आप पहुंच गए लोकेशन पे? हेलो, चलिए ड्रॉप कीजिएगा, थोड़ी देर बाद फिर कोशिश करेंगे एक और कॉलर जुड़े। फटाफट से आपको स्पोर्ट्स के हवाले से भी एक बड़ी खबर बताते चलें, जो ये आ रही है कि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, जो हालांकि वर्ल्ड कप कैंसिल हो चुका है लेकिन आईपीएल होगा, और बीसीसीआई ने सरकार को चिट्ठी लिख दी है, सरकार अब फाइनल डिसीजन लेगी। लेकिन बड़ी तैयारी यह है कि इस बार मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर इस टूर्नामेंट को कराया जाएगा। 26 सितंबर से शुरू होना था, नवंबर में खत्म होना था, लेकिन एक हफ्ता पहले शुरू करने की तैयारी है, और अब 19 सितंबर से 8 नवंबर के बीच 51 रोज तक यह टूर्नामेंट शुरू हो सकता है, जिसके लिए फ्रेंचाइजी और कमेटियां इस वक्त अपनी टीम को यूएई के अंदर ले जाएंगे। हमारे साथ एक कॉलर हैं। जी कौन साहब, कहां से? चलिए कॉल दोबारा हो गई है ड्रॉप, कोशिश करेंगे कि कॉल को ले सके। फिलहाल श्रीनगर चलते हैं, सईद फारूकी भी हमारे साथ है। तो सईद, दो खबरें तो आसिफ बता चुका है कि एसडीआरएफ नॉर्म्स के तहत जो है वो 15 करोड़ रुपया तीन अस्पतालों को मिलेंगे, 2000 करोड़ रुपया मैग्नेटाइजेशन के लिए रखा गया, और हाई पावर कमेटी बनाई गई है जिसमें फाइनेंशियल कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर लोग जो होंगे वो अपनी रिपोर्ट जो है वो 10 तारीख तक देंगे। अब जो खबर एक और भी है वो ये है कि जनाब, तमाम जो जम्मू कश्मीर के कश्मीर वादी के अस्पताल हैं, 130 नए वेंटिलेटर जो है वो मिलेंगे, उनमें SMHS सोरा और जो हमारा CD अस्पताल है उनको ये वेंटिलेटर जो है उन्होंने प्रायोरिटी बेस पर देंगे। ये जो तीन बड़ी खबरें हम अपने नाजरीन को बता रहे हैं, और उसके बाद में थोड़ी बेड की एलोकेशन भी बताऊंगा कि क्या कुछ सिचुएशन हमारे अस्पतालों के अंदर है। मैग्नेटाइजेशन की सूरत हाल जो लगातार आप बता रहे थे और पिछले 2-3 दिनों से कॉलर भी आ रहे थे, उसका संजीदा नोटिस जो है वो सरकार ने लिया है। अब ये जो 10 दिन का फ्रेम आउट किया गया है, कितना अहम होगा ये और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कॉलर भी साथ साथ हम लेते रहेंगे। जी देखिए, ये एक बड़ा फैसला है क्योंकि काफी ज्यादा ग्रीवेंसेस थी, अगर हम रोल के हवाले से बात करें। सर यहाँ पर आपको एक मिनट रोकूंगा क्योंकि कॉलर बड़ी देर से हमारे साथ है। जी कौन साहब और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम गौहर सर। जी वालेकुम सलाम। मैं हाजी गुलाम सर गनाई बड़गाम, प्रेसिडेंट इंतजामिया कमेटी, आपसे अर्ज किया था 15 जुलाई को भी। जी 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 प्रोग्राम है वो लिंक रोड का जाना, मैं उसको चाहता है ना अंदर
वो ड्रेनेज सिस्टम वो पूरी तरह खराब हुआ है। आपकी वसंता से हमने अर्ज किया था कि वो ठीक हो जाए, नहीं होता है। और दूसरी बात है सर के जो हमारी जामिया मस्जिद है उसके बीच में से स्वास्थ्य से बिजली की तारें गुजरती है, अगर कोई फॉल्ट हुआ जामिया मस्जिद को नुकसान होगा, वो जिम्मेवारी किस पर आएगी सब? क्या 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 आपकी तरफ से कोई तहरीरी शिकायत जिला तरक्याती कमिश्नर साहब को दे दी गई है? हम जनाब गए हैं दो तीन बार गए हैं, मगर फिर भी सुनवाई नहीं हुई है आज तक। चलिए बहुत शुक्रिया, मुझे उम्मीद है कि सूबाई कमिश्नर साहब जो हमारी इस बात को और आपकी बात को बगौर सुनते हैं। और बड़ी अच्छी बात यह भी है, मुझे कल रात देर गए ये कहा गया कि जो ग्रीवेंसेस आ रही हैं उनका संजीदा नोटिस भी लिया जाता है, इस बात को भी नोटिस में लिया जाएगा। और मस्जिद वाला मामला नहीं है, वहां से लोगों को भी चलना, और बहुत छोटी सी गली है वो, उसको अगर रिनोवेट किया जाता तो सबसे अच्छा होता। SDM को लेकर लगातार कॉल्स आ रही थी सोपोर को लेकर, आसिफ अपने नाज़रीन को हम बताएंगे कि SDM की तैनाती वहां पर हो गई है, रात देर गए हमें इसकी कंफर्मेशन भी हो गई है। एक और कॉलर हमारे साथ है जी, कौन साहब और कहां से? अस्सलाम वालेकुम विश्वास साहब जी। वालेकुम सलाम जनाब, आज करवेश कराची पेठी का। बिल्कुल फिदा हुसैन मुगलू मुगल महला पेठ जी। फिदा सर जनाब गुजारिश फरमो वही मेट्रिक सिस्टम गए सारे नवंबर यहां अगस्त में जी। अस गुजारिश कि अस बसा मुगल महला लाल बाजार जी, मेन रोड पे अस लिंक रोड ना जो बोटशा महल हजरतबल वातान राइट, अस बागम पोरा कुरैशी महला बोटशा महला मुगल महला जान महला ओतान जनाब गा लोकल MLA तो गें वसदसा ये नश वो अस गुजारिश कि वात अल्लाह हुकाम तैयम बिल्कुल हजूर। तुज कह रास्त इंतजामी अफसर योग्राम मॉनिटर करान तम आोजान और मेरे उम्मीद कि नए फिर ये तु कॉल कर मैकडमाइजिंग प्रोग्राम चल तु वन कि नाज कम गई इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि सूबाई कमिश्नर साहब इनकी जरा मुश्किलात जो है वो कहीं जेन्युइन भी नजर आ रही है, कोई इलीगल काम नहीं है, मैकडमाइजेशन करना ही है तो इस एरिया की भी। और देखिए और काफी गुंजान वाला इलाका है और काफी आबादी वहां से रह रही है। हमारे वहां जात वायरात है, आप देख लीजिए वहाँ कोई खड्डे है बहुत। जी 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 शुक्रिया कॉल करने के लिए, इंशाल्लाह जरूर इसका जो है नोटिस लिया जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ है जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहाँ से? हेलो हेलो, चलिए ड्रॉप हो गई है कॉल, दोबारा कोशिश करेंगे। सईद फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा, वेंटिलेटर्स भी आ रहे हैं, मैकडमाइजेशन भी हो रही है, 15 करोड़ रुपया अस्पतालों को भी दिया जा रहा है, और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि देखिए लोगों के बुनियादी मसाइल की ओर प्रायोरिटी पे तवज्जो देकर इन्हें हल करना होगा। देखिए गवर, पहले मैकडमाइजेशन की बात ही बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों की ग्रीवेंस है, क्योंकि लास्ट ईयर अगस्त में जो आर्टिकल एप्लीकेशन हुआ उसके बाद तो मैकडमाइजेशन प्रोसेस जो है वो बंद पड़ा। अगर बात करें तो 80% 90% ऐसे रोड थे जहां पे मैकडमाइजेशन अभी करना बाकी है। अब जिस तरह इसको फास्ट ट्रैक पे किया जा रहा है, क्योंकि अभी अगर बात करें तो काफी लेवल से हम भी कंसर्न जो अथॉरिटी से उनसे बात करें यही मामला था कि अभी सरकार ने फंड जो है वो एलोकेट नहीं किया, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनको प्रयास आ गया कि वो चलो आपको एक बार फिर रोक रहा हूँ। एक और कॉलर है जी, कौन साहब और कहाँ से? हाँ सर, मैं मामल से भी हूँ सोपोर से सर जी। शफी साहब आपकी आपकी कॉल बिल्कुल पहचान ली आवाज हमने, और मुझे उम्मीद है कि आज आप कहेंगे कि ADC साहब मिल गए आपको। बिल्कुल शुक्रिया, मैं आपको मुबारक जताई आपकी वसादत से हो गया जनाब, मैं शुक्रिया इसका कर रहा हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया शफी साहब कॉल करने के लिए। आप जो कह रहे कि आज अहमद रमजान है, हेलो जी 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 हाँ अहमद रमजान है, इसमें से हमारे ये कुर्बानी का है जो ये कुर्बानी का गोश्त है, इसके लिए मतलब हमारे ये रेट जैसे होना चाहिए, अगर हम जिंदा लेंगे कैसे लेंगे? बिल्कुल सरकार के निरखनामे पर अमल दरामद होना चाहिए कुर्बानी के जानवरों को लेकर। बड़ी शिकायतें इस पर श्रीनगर से भी आ रही है, जम्मू से भी आ रही है कि कुर्बानी के जानवरों को लेकर मनमानी कीमतें हैं और माल भी कहीं पर दस्तियाब नहीं है, और जहां पर है तो मनमानी कीमतें हैं। सरकार जरा इसकी ओर भी तवज्जो दे, क्योंकि बिल्कुल बहुत कम वक्त बचा है, ईद उल अज़हा की आमद है। एक और कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहां से? चलिए ड्रॉप हो गई है। सईद फटाफट से अपनी बात को जरा वाइंड अप कीजिएगा जी। तो ये इस वजह से रोड के हवाले से जो शिकायत थी, अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कहा गया कि वो प्रायोरिटी से जो रोड उनको कर रहे हैं उनके जो लिस्ट दे दे तो सरकार इस पे काम करेगी। दूसरा बड़ा मामला था जो हेल्थ सेक्टर के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे तादाद जो बढ़ रही है, जो यहाँ के डॉक्टर्स है कल से वो बार बार कह रहे थे कि
फालतू केस ज्यादा आ रहे हैं, हमारे पास ना तो वेंटिलेटर्स है और ना टेस्टिंग फैसिलिटीज है। अब सरकार ने इसको नोट किया है और जिस तरह अब वेंटिलेटर बढ़ाने की बात की जा रही है, एक अच्छा कदम है और सराहना की जा रही है इसकी, क्योंकि लोग भी अब कह रहे हैं कि मुश्किल हो रही है कोविड के बगैर भी, बाकी जो बीमार है जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, जिनको टेस्टिंग के लिए प्रॉब्लम होती है उनकी मुश्किल भी। अब इसमें एक चीज जरूर करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, जो बेडिंग फैसिलिटीज है हॉस्पिटल की बढ़ाना बड़ा जरूरी है। चलिए बहुत शुक्रिया रूफ आपका कॉलर, एक दो जरा फटाफट से मैं आपको ले लेते हैं हम, क्योंकि दो तीन कॉलर लाइन पर है जी। कौन साहब और कहां से? सर मैं डीएस कटोच डोडा से बोल रहा हूं सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर हमारा एक गांव में भागवा टू दशनान वाया लाल द्रमन डिफेंस रोड का काम लिया हुआ था जी, तो उसका कंपनसेशन बनाया हुआ था, बीआरओ कर रहा है सर उसका, ग्रीफ कर रहा है उसका काम जी, तो कंपनसेशन उसका अलाट हो गया है सर, तो कोई 70-80% लोगों को मिल गया है, को 300-325 करोड़ रुपया पैसा रह गया है वहां से, यहाँ एसीआर साहब ने अपनी एडवाइस वगैरह दे दी है, लेकिन 4-5 महीने से ये पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टर जनरल फाइनेंस जो है उन्होंने रोक के रखा हुआ है सर, ये बात रिक्वेस्ट है। चलिए आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सीधे से डीजीएमओ भी सुन रहे होंगे, डिफेंस के लोग भी सुन रहे होंगे, और जो एडिशनल कमिश्नर हैं इसके जो मॉनिटरिंग करते हैं जम्मू प्रोविंस के अंदर डिफेंस की डील को लेकर, वो भी जरा इसकी और संजीदगी से देखें कि अगर काम आधा हुआ आधा पेंडिंग है इसको फाइनल से किया जाए कंपनसेशन वाला। एक और कॉलर हमारे साथ है जी, कौन साहब और कहाँ से? चलिए कॉल ड्रॉप हो गई है। मैं जरा क्लोजिंग पर आ रहे हैं क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि जरा प्रोग्राम को वाइंड अप कीजिए। वाइंड अप से पहले दो चीजें हैं, एक तो आपको आज से बताएंगे कि बार एसोसिएशन के सदर, जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कश्मीर चैप्टर है, उनके सदर की क्या कुछ खबर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनका मामला जेर समात है। लेकिन फटाफट से कोविड की जब हम बात करते हैं, श्रीनगर के अंदर 2918 बेड्स की को रखा गया था, जो इस वक्त हमारे पास जो है जनाब 1215 लोग जो है वो बेड्स पर आगे हैं। अब आप सिचुएशन खुद समझ सकते हैं। पुलवामा के अंदर 2475 बेड्स को रखा गया था, ऑक्यूपाई 777 हो गए हैं। बांडीपोरा में 1000 से ज्यादा बेड से 899 पेशेंट इस वक्त बेड 899 जो है हमारे पास वैकेंट पड़े हैं। बड़गाम के अंदर भी इसी तरीके से बेड्स की जो तादाद थी वो 1000 से ज्यादा बेड्स रखे गए थे और उसमें 800 से ज्यादा पेशेंट जो है वो इस वक्त बिस्तर पर आ चुके हैं कोविड की वजह से। एक लास्ट कॉल ले रहे हैं जी, कौन साहब और कहां से? कुपवाड़ा से गुलाम रसूल शाह, ट्रेडर्स फेडरेशन चेयरमैन की से आपसे अर्ज करना चाहता हूं। मैंने आपसे कल भी बात की थी, हमारा एक लिंक रिंग रोड बन रहा था पिछले 4 साल से जी, बातरगाम से हांजीपोरा कुनन पोस्टपोरा त्रहगाम और डूरीपोरा तक के लिए जी, उसमें सिर्फ 2 किलोमीटर 3-4 साल में बने वो बातरगाम से हांजीपोरा तक, उसके बाद जो काम है वो यूं ही एक ही गाड़ी डालता है फिर बैठता है, एक ही गाड़ी डालता है। ये किस स्कीम के तहत बन रहा है सर? ये मुझे पता नहीं स्कीम कौन सी है सर। तो डिपार्टमेंट का कुछ पता है कि कौन डिपार्टमेंट इसके पीछे काम कर रहा था? ये आरएलबी बना रहा है सर। ओके ओके ओके। जिला तरक्याती कमिश्नर साहब जो कुपवाड़ा है वो इस संजीदा मामले की ओर देखे कि सुस्त रफ्तारी के साथ कछुए की चाल से सड़क का काम हो रहा है और फिर जो बजट एस्टिमेट होता है वो फिर इसीलिए बढ़ जाता है और काम पूरे नहीं होते। एक और कॉलर हमारे साथ है जी, कौन साहब कहां से? हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं और क्या मसला है? जी सर मैं चौकोरा पुलवामा से बात कर रहा हूँ जी, बताएं। जी सर हमारे गाँव में अभी तक पिछले 5-6 दिनों से 11 पॉजिटिव केस सामने आए जी, लेकिन गवर्नमेंट ने पूरे इलाके को सैनिटाइज नहीं किया और फिर रेड जोन भी नहीं करा दिया, सभी खुला है, मार्केट भी ओपन है। आज के दिन भी मार्केट ओपन है जब रेस्ट्रिक्शंस इन्फोर्स कर दी गई है एंटायर पुलवामा के अंदर भी? पुलवामा के अंदर रेस्ट्रिक्शंस है लेकिन शाम को सभी दुकानें खुलती है, बाजार ओपन होता है, कल भी 5-6 केसेस सामने आए। चलिए बहुत शुक्रिया संजीदगी दिखाने के, और आप चाहते हैं कि एनफोर्स हो सख्ती के साथ ताकि ये वायरस जो है वो फैले ना, ये अच्छी चीज होती है जब सोसाइटी के अंदर से इस तरीके की आवाज आए कि देखिए ये चीज करना काफी ज्यादा जरूरी है। अब आगे ईद भी है तो इंतजामिया के लिए काफी बड़ा मामला है कि 3 दिन जब वो खोलेंगे तो हमें इस चीज का एहतियात रखना है कि जब वो खोलने जाएंगे तो ये ना हम समझे कि शायद वायरस खत्म हो गया, वायरस अभी भी जिंदा है। इसलिए जब भी हम बाहर जाए 3 चीजों का एहतमाम करेंगे, मास्क,
सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजेशन, सैनिटाइज अपने हाथों को करेंगे, खुद को करेंगे, आसपास को भी करते रहेंगे, ये बड़ी बात है। और आखिर पर एक लास्ट खबर आपको अब आज से बताएं। बिल्कुल, आपको ये बताते चलें कि मियां अब्दुल कयूम जो कि बार लीडर हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा जो है वो मुसलसल किया जा रहा था, और उनकी तरफ से कल भी उनके वकील दुष्यंत दवे जो है वो कोर्ट में अपेयर हुए, और जम्मू कश्मीर इंतजामिया से और सरकार से जो जवाब मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हफ्ते के अंदर, उसमें फाइल जो है कल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराई है, जिसमें ये किया गया है कि इस वक्त ये पूरा मामला जो है एडमिनिस्ट्रेशन के या सरकार के, पूरा सरकार इस पर काम कर रही है और बहुत जल्द इस पर कोई हतमी फैसला लिया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ जो मियां अब्दुल कयूम के वकील हैं उनके, उन्हें ये भी कहा गया कि अगर जरूरत पड़े तो 24 घंटों के अंदर वापस इस मामले पर जरूर समाप्त की जा सकती है, यानी आज दोबारा इस पर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा बात हो सकती है, उनकी रिहाई को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है। लेकिन कल जहां तक बात करें तो जस्टिस संजय किशन कौल, अजय रस्तोगी और अनिरुद्धा बोस, जिनकी तीन रुकनी बेंच ने कल इस पर समाप्त की, और कल जो सरकार की तरफ से जवाब था सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से, वो कोर्ट में दाखिल करा दिया गया है। और जो इस वक्त पीएसए के तहत दिल्ली की तिहाड़ जेल में इस वक्त कैद हैं, उनकी रिहाई के मुतालिक जो है वो इस वक्त बातचीत चल रही है, जल्दी कोई इस पर फैसला लिया जा सकता है, सरकार का जवाब कोर्ट में दे दिया गया। इसके साथ साथ जो अभी बात हो रही थी कुर्बानी के जानवरों की, तो जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला की तरफ से भी एक जानकारी दी गई है इसमें कि 24,000 कुर्बानी के जानवरों के लिए उन्होंने इंतजाम किया है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से, और जो सरकार की तरफ से एक फहरिस्त तैयार की गई है जो लिस्ट है, उन रेट्स के तहत ही ये कुर्बानी के जानवर जो है वो फरोख्त किए जाएंगे। 24,000 जानवरों का इंतजाम किया गया है, तो यहां से वो खरीदारी कर सकते हैं ईद से पहले। डॉक्टर जी एन ये तो अभी थोड़ी देर पहले उनकी तरफ से एक मैसेज हमें पहुंचा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डेढ़ घंटा बिताने के लिए, अपना फीडबैक देने के लिए। मैं वही फीडबैक देख रहा था कि किस तरीके से आप लिख रहे हैं, कोशिश करेंगे कि खबरें ज्यादा से ज्यादा आपको बताते चले, तजिया थोड़ा थोड़ा लें, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है इंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर, पल पल की खबर हम आपको जरूर बताएंगे, आप बने रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला गुलिस्तान पर थमता बिल्कुल भी नहीं है।